Hey, what's up everybody? This is Nagu Sagar. Welcome back to my YouTube channel. I know guys, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया. ऑलमोस्ट मैंने हफ्ते 10 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है. इसके पीछे रीज़न कुछ नहीं है, नॉर्मली थोड़ा बिजी चल रहा था. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, मतलब वीडियो अपलोड नहीं करी है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स मैंने शूट करे. जैसे लास्ट सैटरडे मैं एक अपने फ्रेंड के साथ घूमने गया था. पहले आप उसे देखो, देन उसके बाद फिर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. आज गए तो मेरा यहाँ आने का प्लान था. बताओ यार, इतने सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ बचपन से इसको, पहली बार हम यहाँ पे कुछ आए भाई. मैं अब बोल के आ रहे बचपन से. नहीं, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ. मैंने कई बार बोला नहीं, बहुत पुराना है ये तो. मैं तुम मजे में ले रहे हो. हम तो मजे में ले ही रहे हैं. गंदे आदमी मजे में ले गए. वो भाई यहाँ तो आग लगा दी उन्होंने. फूक देंगे ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन. यार हमें तो लगा था कि आज बढ़िया जगह जाके लंच करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सीन ही खराब हो गया. तो इस चीज में जूते भी नहीं पहन के आए. इतनी जल्दी आए थे. हाँ, भाग भाग के आए एकदम से. मस्त पहने भाई ये तो. मैंने पहने हैं. रिनोवेशन के टाइम तक यहीं खड़े रहते हैं. अपडेट तो मिल गई है भाई, ये चालू होने वाला है बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में. वो कह रहा भैया ये पे खड़े रहो. गए हम थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट होने में. यहाँ कुमार समोसा है. कुमार समोसा ना भाई सब बेस्ट. ये पिज़्ज़ा है, ये मंचूरियन है, और कौन सा था हमारे पास, चीज़ वाला था ना, पनीर. ये मतलब अभी तक तीनों के तीनों बेस्ट है. मज़ा आ गया भाई. मैं पहली बार किसी लड़की को ना ऐसे करते हुए देख रहा हूँ, वो भी अपने जूते सैंडल लेने या जूते बैली. तो ये भाई मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी का, मतलब किसी लड़की को मतलब ऐसे पॉलिश मारते हुए लेदर के. इसलिए शायद आपको वो छुपी हुई गाड़ी दिख रही है. हाँ, जस्ट ये वाली. मैं ना अपनी गाड़ी की RC लेने गया हुआ था, और किस तरीके से मैं गया और अचानक से प्लान बन गया जाने का, क्योंकि ये ना मैं ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से टाल रहा था. और वो क्या स्टोरी थी वो अभी आप ये क्लिप में देख लीजिए. तो फाइनली गाइज, आज वो दिन आ ही गया है जब हम फाइनली अपनी गाड़ी की RC लेने जा रहे हैं. इतने दिनों से कैंसिल हो रहा है ना ये, इतने दिनों से कैंसिल हो रहा है प्रोग्राम. मतलब मैं रोज़ अपने घर जाते टाइम ये चीज़ भूल जाता हूँ. खैर यार, मैं आजकल चीज़ें भूलने लग गया हूँ, पता नहीं क्यों. क्योंकि इसकी RC नहीं आएगी तब तक मैं इसमें फास्टैग भी नहीं लगा पाऊँगा. तो इसलिए आज RC लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हाँ गाइस, एक सीन तो ये है कि जो मेरा शोरूम है वो मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है. स्टिल मैं वहाँ नहीं जाता, मतलब हद हो गई है. मतलब इतनी पास होने के बावजूद भी मेरे को इतने दिन वेट करना पड़ा. मतलब RC आए हुए भी 1 महीना हो गया है पूरा, और अभी तक तो मात्र मैं बता रहा हूँ 1 किलोमीटर भी नहीं है मेरे घर से जो शोरूम है, फिर भी मैं मतलब लेट हो गया. तो फाइनली गए शोरूम पे तो हम आ गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है. शायद कोई इशू है या फिर कोई इवेंट है, कुछ नहीं पता. एक सेकंड के मुझे लगाते हैं लड़ाई हो रही है. और गाइस, ये जो i20 का सिल्वर कलर है ये ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को वाइट से. नहीं कोई नहीं, अब जो आ गया वो बढ़िया. यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है. रीज़न पता नहीं क्या है, क्या मैटर हुआ है. लेकिन अपनी RC आ चुकी है. ऑब्वियसली मैं आपको इसको पलट के तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो इतना ही बहुत है. और अभी जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है वो नो पार्किंग में खड़ी हुई है. बस दिक्कत है, भाग भाग के जा रहे हैं, कोई इशू ना हो. वैसे तो होगा भी क्या, मुझे हाथ से 2 मिनट लगे इसको कलेक्ट करने में, क्योंकि रेडी था. मैंने बोला हुआ था कि मैं आऊँगा बीच में. लेकिन मैं एक फ़न फैक्ट बताऊँ आपको, मैंने इनको 1 महीने पहले बोला था कि मैं आऊँगा, पूरे 1 महीने के बाद आया मैं आज. ये जो RC वाला काम था ना मेरे बहुत टाइम से पेंडिंग था, अब RC आ गई है. अब मैं सीधा अप्लाई करने वाला हूँ पेटीएम से अपना फास्टैग, क्योंकि पेटीएम वाला फास्टैग बहुत ईजी रहता है, ईजी टू यूज़ होता है. इस वजह से पेटीएम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं गया तो मुझे एयरटेल का दे रहे थे, वो मुझे लेना नहीं था. इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया. शोरूम मेरे घर के पीछे है, लेकिन अगर आप गाड़ी लेके आओ ना तो बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है. कम से कम 2 रेड लाइट तो एटलीस्ट क्रॉस करनी पड़ती है हमें. तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक की जो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मतलब कहाँ पे क्या क्या हो रहा था. होपफुली मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि व्लॉग करना मैंने छोड़ा नहीं था, व्लॉग नहीं आ रहा काफ़ी दिन से. तो इस वजह सोचा कि यार थोड़ा बहुत
अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ही डालू ना कि डाल दूं। वैसे तो मैं डाल सकता था रेगुलर बेसिस पे, लेकिन यार जो क्लिप थी वो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर वो एंड में नहीं डालना पसंद किया। और जो उन्होंने बेस्ट क्लिप थी, मतलब जो मुझे लगा कि जरूरी है, वो मैंने इस व्लॉग में ऐड कर दिया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।